नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के एक और दिल धड़ा देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल, क्योंकि आज जो मैं बात बताने वाला हूं वो एक ऐसी बात है जो सीधे सीधे हमारे इस दुनिया के भविष्य से जुड़ी हुई है, फ्यूचर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में ना जाने कितने सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने भविष्य के बारे में लोगों को बताया है, फ्यूचर प्रिडिक्ट किए हैं, और उसमें से ना जाने कितनी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी बातें शत प्रतिशत सटीक साबित हुई हों। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जिसका प्रिडिक्शन बिल्कुल हर टाइम हमेशा बिल्कुल सच साबित होता है। और वो प्रिडिक्शन सिर्फ सच साबित नहीं होता है दोस्तों, बल्कि जब वो प्रिडिक्शन सच साबित हो रहा होता है, मतलब वो घटना जब घट रही होती है, तो उस दौरान वो कैरेक्टर्स, मतलब जो फ्यूचर प्रिडिक्ट किए गए थे उसमें जो कैरेक्टर ने कपड़े पहने थे, वही कपड़े रियल लाइफ में भी वो कैरेक्टर ने पहने हो। जिस तरह से वो कैरेक्टर प्रिडिक्शन में खड़े थे उसी तरह से वो उसी पोजिशन में रियल लाइफ में भी खड़े हो। तो आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉर्मल तरीके से किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना तो बहुत आम होता है, कई बार तो जुबान भी लग जाती है, तुक्का भी लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि देख लेना एक साल बाद तू बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगा, तो ये कई बार जुबान लग जाती है, तो तुक्का भी हो गया, ये हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई ये बोले एक साल बाद, यानी कि बात करें कि नवम्बर 2021 को, यानी 21 नवंबर 2021 की शाम को 5 बजे अचानक से तेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ जाएंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहते हैं शत प्रतिशत प्रिडिक्शन बिल्कुल सच साबित होना। और ये चीज हुआ है दोस्तों, ऐसी ना जाने कितनी सारी प्रिडिक्शंस हैं जो कि बिल्कुल सच साबित हुई हैं भारत के बारे में, इस दुनिया के बारे में, इस महामारी के बारे में। प्रिडिक्शन पहले ही हो चुकी थी, और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पहले, बल्कि 15-20 साल पहले। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सारी प्रिडिक्शन कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि ये प्रिडिक्शन कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि एक कार्टून कर रहा था, तो आप लोग विश्वास करेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 17 दिसंबर 1989 की शाम एक कार्टून टेलीकास्ट हुआ पूरी दुनिया में जिसका नाम था सिम्पसंस। में ऐसे ना जाने कितनी सारी चीजें दिखाई गई जो 15-20 साल बाद फ्यूचर में घटी हैं। सिम्पसन दरअसल एक साइफाई टाइप का शो था जो कि सीधे सीधे फ्यूचर के साथ मतलब रिलेट करता था। उसमें कुछ ऐसा दिखाया जाता था कि भविष्य की दुनिया, आगे की दुनिया कैसी होगी, हमारा फ्यूचर कैसे होगा। दोस्तों, उसमें जो कुछ भी दिखाया गया उसमें से ना जाने कितनी सारी घटनाएं सच साबित हुई, और वो ऐसे समय में दिखाया गया था जिस समय में उन सारी चीजों की कल्पना करना ही लगभग इम्पॉसिबल था, उस समय दिखा दिया गया था, और वो सारी चीजें आज साबित सही हो रही है। दोस्तों, मैं आपको हर एक घटना तो नहीं बता पाऊंगा, ऐसी कुछ खास घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं जो कि सिम्पसन में पहले ही बता दी गई थी, अगर उसे कोई नोटिस कर लेता, अगर उसे मैं ही नोटिस कर लेता। मैं बचपन में सिम्पसन देखता था, उम्मीद है आप भी देखते होंगे। अगर आप ही उसे बचपन में प्रेडिक्ट कर लिए होते तो जस्ट इमेजिन आज आप लोगों की बातें कितनी दुनिया के सामने सटीक और सच साबित हो सकती थी, है ना? अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी प्रिडिक्शंस, ऐसी कौन सी बातें और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो सिम्पसन ने पहले ही बता दिया था और जो घट चुकी है, और ऐसी कौन सी प्रिडिक्शंस है जो आगे घटने वाली और जिसे के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। प्रिडिक्शन नंबर 5, प्रेसिडेंसी ऑफ ट्रंप। दोस्तों, सन 2000 में टेलीकास्ट हुए एक सिम्पसन के एपिसोड में ये दिखाया गया था कि फ्यूचर में आगे चल के अमेरिका में एक राष्ट्रपति बन गया है जो दिमाग से थोड़ा सनकी है। उसकी आप फोटो साफ साफ देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि उस एपिसोड में क्या दिखाया गया था। दोस्तों, एग्जैक्टली कुछ ही साल बाद, यानी तकरीबन 15-16 साल बाद ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। देखिए,
ये दोनों तस्वीरें कितनी मिलती जुलती हैं। यहां पर ट्रंप के सूट का रंग, ट्रंप की टाई का रंग और ट्रंप का जो बैज लगा हुआ है उसका भी रंग आप देखिए, साथ ही साथ आप बैकग्राउंड देखिए इस तस्वीर का, और जिस तरीके से नीचे लिखा गया है ट्रंप वो भी देखिए, ये कितना एक दूसरे से मेल खाता है। दरअसल जो आप कार्टून वाली इमेज देख रहे हैं, ये टेलीकास्ट के दौरान ट्रंप की प्रेसिडेंसी से तकरीबन 15 साल पहले ही दिखा दिया गया था। उसके 15 साल बाद ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हैरान होने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप जब नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कहीं अपना कुछ खत्म करके, शायद कॉन्फ्रेंस खत्म करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उस समय का जो नजारा था कुछ ऐसा था। और हूबहू यही चीज, ये घटना होने के 15 साल पहले इस कार्टून में दिखा दी गई थी। जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप ध्यान से समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट बिल्कुल उसी तरह से उतर के आ रहे हैं, और सिर्फ उतर के ही नहीं आ रहे हैं बल्कि आप ये भी नोटिस कीजिए कि ट्रंप के नीचे उतरने के दौरान जो साइड में खड़ा हुआ एक आदमी है उसके हाथ से एक बैनर गिर जाता है जो रियल लाइफ में भी गिरा। हाउ इज दिस पॉसिबल दोस्तों? कार्टून में अगर कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया तो क्या हो सकता है कि 15 साल बाद वो सचमुच में गिरे? इम्पॉसिबल है। अगर कोई कॉपी भी करना चाहेगा तो 15 साल बाद कैसे इतनी सी चीज उसके दिमाग में रहेगी? प्रेडिक्शन नंबर 4, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिम्पसन का जो लीड कैरेक्टर था वो बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी से बहुत ज्यादा खुश होके वोट देने के लिए जाता है, लेकिन जब वो बराक ओबामा के नाम के सामने क्लिक करने की कोशिश करता है तो ओबामा के नाम के सामने क्लिक नहीं होता है बल्कि उसके जस्ट ऊपर में किसी और का नाम लिखा हुआ है उसमें क्लिक हो जाता है। अब सेम टू सेम चीज ये कार्टून में दिखाने के बाद 15 साल बाद रियल लाइफ में भी बीती। एक आदमी जो कि अमेरिका के चुनाव के दौरान बराक ओबामा को वोट करना चाह रहा है और ओबामा के नाम के सामने टिक करने के लिए जैसे ही वो क्लिक करता है तो ओबामा के नाम के सामने क्लिक नहीं होता है बल्कि ओबामा के ऊपर वाले नाम के सामने क्लिक हो जाता है। उसने इस चीज का साफ साफ वीडियो भी बनाया, यूट्यूब में अपलोड किया जिसमें तकरीबन 10 मिलियन व्यूज है। अब सोचिए कि कैसे आप इस चीज को गलत साबित करेंगे। इस कार्टून में दिखाया गया था कि उस समय लीड कैरेक्टर को लगता है कि ये मशीन में खराबी है, और सेम टू सेम चीज ये रियल लाइफ में भी उसी आदमी को फील होती है, तभी उसने वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि मशीन में कुछ खराबी है। अब ये बताइए कि 15 साल पहले ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक कार्टून में दिखाया गया था कि लीड कैरेक्टर को कुछ देख के फील होता है और सेम टू सेम वही फीलिंग कार्टून में दिखाने के बाद रियल लाइफ में भी एक आदमी के साथ घटी। यार रियल लाइफ में कोई घटना घटना तो समझ में आता है, लेकिन कोई फीलिंग फील होना मतलब थोड़ा अजीब साउंड करता है। प्रेडिक्शन नंबर 3, दोस्तों आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि आने वाले कुछ समय बाद जो नोबेल पुरस्कार विजेता होने वाला है उसका नाम शायद किसी को भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सिम्पसन्स में 15 साल पहले ही पता चल गया था कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में किसको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, तो आप लोग विश्वास मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो सबूत, ध्यान से देखो, इसमें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक्स वाली फील्ड के बिल्कुल सामने के बाजू वाले में किसी का नाम लिखा हुआ है। बताऊं एग्जैक्ट 15 साल बाद यही इंसान 15 साल बाद इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीत जाता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? प्रेडिक्शन नंबर 2, 1995 में टेलीकास्ट हुए एक एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि लीड कैरेक्टर का बेटा, मुझे इस कैरेक्टर का नाम तो बहुत अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन यह दिखाया जा रहा है कि लीड कैरेक्टर का बेटा वीडियो कॉल के जरिए अपने किसी फ्रेंड या रिश्तेदार से बात कर रहा है। 1995 में, सीरियसली, वीडियो कॉल से वो कैसे किसी से बात कर सकता है? उस जमाने में तो शायद मोबाइल भी इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे कि आए थे कि नहीं, आए भी होंगे तो शायद इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे कि लोग ये भी सोच पाए कि फ्यूचर में मोबाइल के जरिए हम एक दूसरे की शक्ल देख के बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम एक दूसरे का फेस टू फेस, हजारों किलोमीटर दूर से भी फेस टू फेस बात कर पाएंगे। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था 1995 में।
तो फिर सिम्पसन में ये चीज कैसे दिखाई गई? ये चीज बिल्कुल सच साबित हुई। आज हम सिर्फ मोबाइल ही नहीं, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, ना जाने ऐसी कौन सी चीज है जिसके जरिए हम हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी एक दूसरे को देख के बात कर सकते। मुझे यकीन है आज मेरे वीडियो मुझसे 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी देख रहे होंगे। सिम्पसन में ये चीज बहुत पहले दिखा दी गई थी। प्रिडिक्शन नंबर 1 इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला है दोस्तों कि मतलब जब ये मैंने सुना तो मेरे दिमाग के बिल्कुल तोते उड़ गए। अब आप लोगों के उड़ेंगे, ध्यान से सुनो। गॉड्स पार्टिकल जिसका नाम था हिग्स, दरअसल सिम्पसन में एक एपिसोड रिलीज हुआ था जो कि गॉड पार्टिकल है। उसका मास पता करने से 15 साल पहले ही सिम्पसन के इस एपिसोड में इसका मास एग्जैक्टली बता दिया गया था। अप्रोक्सीमेटली भी हो तो मतलब हैरान होने वाली बात है ही ना यार। गॉड्स पार्टिकल जैसी इतनी ज्यादा मतलब टफ चीज, इतनी ज्यादा कठिन चीज जिसने समझना इम्पॉसिबल है। मुझे तो पता ही नहीं कि वो चीज क्या है, मैं तो खाली बोल रहा हूं। मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, फिर भी मुझे इतने अच्छे से नहीं पता कि गॉड्स पार्टिकल है क्या। इसका मास जब इस दुनिया में आज के जमाने में साइंटिस्ट ने इसके मास के बारे में पता किए, उससे 15 साल पहले ही सिम्पसन में एक एपिसोड आ गया था जिसमें दिखाया जा रहा है कि लीड कैरेक्टर कुछ बोर्ड में पढ़ा रहा है और उसमें एक इक्वेशन लिखी हुई है जो इक्वेशन हूबहू वही है जो साइंटिस्ट ने 15 साल बाद गॉड्स पार्टिकल की पता करे। यानी इतनी टफ चीज, इतनी कठिन चीज जो साइंटिस्ट आज की दुनिया में निकाल पाए 15 साल पहले, मतलब उसका मास निकलने से 15 साल पहले जो दुनिया में किसी को उसका नाम ही नहीं पता था, वो सिम्पसन में नाम भी बता दिया गया, उसका मास भी बता दिया गया और ये इक्वेशन भी सामने ला दी गई। मतलब कैसे यार, मतलब ये तो वही बात हो गई कि आज मैं बैठे बैठे इस प्लेनेट का नाम बोल दूं और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि उस प्लेनेट में जिंदगी है और उस प्लेनेट के अंदर 1,00,000 लोग रहते हैं, तो ये सच हो जाए तो ये बात कितनी बड़ी होगी, मैं क्या बन जाऊँगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, छोड़ो, ये सेम टू सेम वैसी ही बात है। मतलब कैसे हुआ यार, मैं तो सिम्पसन के बारे में हर एक चीज़ सोच के हैरान हो जाता हूँ। ये मुझे गॉड पार्टिकल वाला सबसे ज़्यादा हैरान और चौंका देने वाला लगा। ऐसे ना जाने कितने सारे प्रिडिक्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्चुअल ईटिंग जो आज की दुनिया में ईजाद करने की लोग साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकाल पाए। मतलब वर्चुअल ईटिंग में क्या होता है, जो लोग गरीब होते हैं वो इस तरह का कुछ ऐसा चश्मा पहनेंगे और कुछ ऐसा मतलब हवा में ही ऐसा कुछ खाएंगे, ऐसा अगर वो टेस्ट करेंगे ना तो उन्हें उस चीज़ का टेस्ट आएगा जो उन्हें उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। इस चीज़ की टेक्नोलॉजी के ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और ये चीज़ सिम्पसन में 90s के टाइम में ही दिखा दी गई थी। मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मतलब मैं तो पागल हो जाऊँगा लिटरली। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का मेरा वीडियो थोड़ा अलग था लेकिन ब्लडी सत्य था, इसलिए आप लोगों के सामने लेकर जरूर आना था। दोस्तों इसी तरह के ब्लडी सत्य वाले वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आते रहूँगा। देखो डराता तो रहता हूँ है ना, लेकिन कभी कभी सच बताना भी तो ज़रूरी है। मतलब सच तो सभी है, सारी चीज़ें मेरी सच ही रहती हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस तो रहती हैं आप लोगों के मनोरंजन के लिए, लेकिन वो भूत वाली स्टोरीज में। लेकिन ऐसी चीज़ों में जो ब्लडी सत्य है उसमें मैं बोल देता हूँ ये ब्लडी सत्य है भाइयों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आप लोगों को पता चल गया, आपके दोस्तों को भी तो बताओ, आपके भाइयों को भी तो बताओ कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ है। और भाई अगर आप लोगों ने सिम्पसन देखे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ अब तक हमारी रियल लाइफ में नहीं हुई है और शायद हो सकती है क्योंकि उस कार्टून में वो दिखाया गया है और आप लोगों को नहीं पता तो अपने दोस्तों से पूछो यार, पता है क्या कुछ ऐसा होने वाला है। अगर बता होने वाला है तो पूरी दुनिया को बता, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लिख ताकि तू फेमस हो जाए, आप फेमस हो जाओ, मैं फेमस हो जाओ, सबका वायदा हो जाए। तो चलो दोस्तों, अगर मन में कोई भी चीज आ रही है जिसे आपको लगता है कि मेरे साथ शेयर करके पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो वो चीज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल जाएगी। दोस्तों मन नहीं है कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में यहीं पर फिर से आप लोगों को एक कमाल के बहुत ही खौफनाक जानकारी के साथ मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।